गुड आफ्टरनून गाइज तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी एकदम अच्छा हूं चलिए आ जाइए सबके सब लाइव और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सेशन नंबर फोर ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस शेड्यूल थ्री प्लस शेड्यूल थ्री शिवम कुमार अनुजा ओझा सेजल वंश अंशु उसके बाद प्रिंकल ऊपर जाए तो निकुंज गौरव बिंदु प्रद्मुना युक्ता तेजस्वी कई सारे बच्चे जुड़िए जल्दी से जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं सेशन राघव प्रियांशु अंकित यादव तनुजा सौरभ गुप्ता शेड्यूल थ्री एडवांस अकाउंट्स में जो पढ़ाया था सेम है हा 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 बताऊंगा मैं कि सेम है कि नहीं <laughs> आप अकाउंट्स टू में भी थे क्या नमन अग्रवाल राहुल बघेल अच्छा जी सो so... आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स की और थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो शेड्यूल थ्री की दीपिका अंशिका ऋषि हेलो टू ऑल बच्चों हेलो टू ऑल एवरीवन गुड आफ्टरनून देवेश राठी देवेश राठी अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स कब से पढ़ा रहे हो कब से पढ़ा रहे हो वैसे तो देवेश में नौ साल से अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं पर अगर अभी की बात करें तो मेरे को लगभग ग्यारह क्लासेस हो चुके हैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं सुबह आठ बजे साढ़े आठ बजे से देवेश राठी को कोई बता दे कि भाई एडवांस अकाउंट्स कब का शुरू हो चुका है कहां हो कौन सी जिंदगी में रह रहे हो आजकल तुम? तुम सर मैंने लास्ट दो तो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लो तनुजा तो ये वाला लेक्चर देखना है क्या सर बिल्कुल अगर आपने लास्ट के कोई भी लेक्चर्स नहीं देखे तो भी आज का लेक्चर देख सकते हो फिर दो लेक्चर्स आज शाम को निपटा लेना सर आई एम योर इंटर स्टूडेंट टेस्ट पीडीएफ कहां अवेलेबल है दिखा देते हैं आपको हम हेलो सर बहुत मजा आ रहा है क्यों जंपिंग जंपिंग चल रहा है क्या मजा आ रहा है अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुआ है सर एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस यूट्यूब पे होंगी मेरे भाई यूट्यूब पे ही चल रही है ग्रुप टू क्लासेस ऑलरेडी ऑन यस सर चलिए दो मिनट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं अपनी तरफ से ध्यान से देखिएगा सुहानी अग्रवाल सर आपसे परचेज करने रिलेटेड बात करनी हो तो कब कॉल कर सकते हैं बेटा आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि हाँ कॉल कब कर सकते हो मुझे फिलहाल मैसेज डाल दो बात व्हाट्सएप पे अच्छा बच्चों मैंने एक चीज आपको दिखानी है सर क्या दिखा रहे हो सर गूगल ओपन किया सर क्या दिखा रहे हो बेटा जी मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूं हां सर करो ठीक है ना यूट्यूब ओपन कर रहा हूं यूट्यूब पे आपको वैसे तो वी स्मट अकेडमी चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा आप एक और चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो कि होगा जय चावला ये चैनल का नाम दिख रहा है सीए जय चावला आप ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सर क्यों कर लें इसमें हमारा क्या फायदा बता रहा हूं फायदा आप इस चैनल में अरे एक तो साला यहां ना लेक्चर चल जाते हैं लेक्चर चल गया सॉरी 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 हा फिर से लेक्चर चल गया जब आप जय चावला चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक कर रहा है ये प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको ठीक है ना प्लेलिस्ट जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे प्ले लिस्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट जिसका नाम है इंटर आईपीसीसी मैराथन रिवीजन इसको मैं कर रहा हूं व्यू फुल प्लेलिस्ट जब मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट व्यू करूंगा तो देखो ध्यान से इसमें तकरीबन तकरीबन 41 वीडियोस अपलोडेड है कितने सर 41 41 रिवीजन वीडियोस अपलोडेड है सर हमें क्यों बता रहे हो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है लग गया मुझे वीडियोस अपने पे डालते रहते। तो आपके कई सारे इस प्लेलिस्ट में मैराथन वीडियोस मिलेंगे सर पर अब मैराथन वीडियोस अभी हमें पढ़ना है क्या नहीं, 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 नहीं अभी नहीं पढ़ना है बट आगे के लिए जैसे डिवेंचर का रिवीजन हो गया ब्रांच का रिवीजन हो गया डिपार्टमेंट का रिविजन हो गया इंश्योरेंस क्लेम का रिविजन हो गया ये सारे हैं आपके अकाउंट पेपर वन में फिर चार्ट रिविजन हो गए का थ्री का टेन का इलेवन एस एस थर्टीन एन फिर उसके बाद एडवांस अकाउंट्स के रिविजन शुरू हो गए तो क्या है बेटा ये प्ले लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि अगर आपको किसी भी टॉपिक का रिविजन चाहिए इसके साथ साथ इसके साथ साथ फ्यूचर में मैं जो भी और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रिविजन डालूंगा वो सब इसमें वो सब इस प्ले में आ जाएंगे ऑल दो वो वी स्मार्ट के चैनल पे भी आएंगे वी स्मार्ट के चैनल में भी प्ले होगी तो वी स्मार्ट चैनल पे भी प्ले लिस्ट है जय चावला पे भी प्ले लिस्ट है मैंने आपको यहां पर दिखा दिया अवेलेबल प्ले लिस्ट ताकि आपको तकलीफ ना हो ठीक है तो बच्चों ये था एक YouTube का प्ले लिस्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में हम जितने भी रिविजन लेक्चर्स लेंगे फ्यूचर में हम जितने भी रिविजन लेक्चर्स लेंगे जैसे कल संडे है तो कल संडे को मैं एडवांस का एक प्लान कर रहा हूं या फिर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन प्लान कर रहा हूं तो मैं फ्यूचर में ऐसे जितने भी रिविजन लूंगा चाहे एडवांस अकाउंट्स के लू चाहे अकाउंट्स के लू उसके लिए मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो इससे क्या होगा कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी कि हाँ यार ये प्लेलिस्ट है ये प्लेलिस्ट हमारे काम की है ठीक है तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी आप जरूर इस प्ले को का फायदा उठाए पेनड्राइव में रहेंगे नहीं बेटा की एक साइज की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है अगर 64 फोर जीबी की पेनड्राइव है तो उसमें 60 GB, 62 GB के तो लेक्चर्स ही आ जाते हैं उसके बाद कोई स्पेस बचता नहीं है ज्यादा तो रिविजन लेक्चर्स रिविजन भी आपको क्यों? तो पेन आप ड्राइव में नहीं मिलेंगे ठीक है ना तो ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं रिवीजन लेक्चर्स हमेशा यूट्यूब पे ही मिलेंगे हमेशा 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 यूट्यूब पे मिलेंगे पेनड्राइव में ना पेड्राइव के सहारे मात्र ना कि पेनड्राइव में ना रिवीजन लेक्चर्स दिए जाएंगे ठीक है ना अगर तुम लोगों ने हमारे लेक्चर्स फाउंडेशन के देखे थे तो यूट्यूब से ही देखे थे ना उस टाइम पे तो डिमांड नहीं किए कि सर लेक्चर्स फ्री में मिल रहे है, सर पेन ड्राइव में दे दो तो रिविजन लेक्चर्स भी फ्री में रिविजन लेक्चर्स भी फ्री में है बेसिकली चलो चलो सर अब बढ़ते हैं आगे आज के सेशन पे आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं मुझे ये बताओ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन हम पहले आज अपनी सबसे पहली चर्चा शुरू करेंगे लाइबिलिटी एंड प्रोविजन इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बोला था मैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बेसिक्स की बातें करूंगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं उनको इन सब का क्लियर कट डेफिनेशन पता है डेफिनेशन मतलब मीनिंग अच्छे से पता है कि नहीं इनके बारे में उनको पता है कि नहीं तो अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी और प्रोविजन की सो टेल मी वॉट डू यू वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन आपको हालांकि मैं याद दिला दू कहा गया कहा गया आपको मैं याद दिला दू लाइबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी लाइबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया मैं साफ साफ कह रहा हूं मैंने प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बताया अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन वेरी गुड बच्चों बताते जाओ लाइब्रेरी विल डेफिनेटली प्रोविजन मे और मे नॉट बी अराइज तो अगर प्रोविजन अगर ऐसा है कि प्रोविजन मे और मे नॉट बी अराइज तो आप प्रोविजन को बैलेंस शीट में दिखाते ही क्यों फिर तो आपकी कंटिजेंट लाइब्रेट हो गई फिर तो वो आपकी कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी हो गई ट्यूशन इंडिया समथिंग ट्यूशन इंडिया है ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोविजन होगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन गलत लाइबिलिटी की अमाउंट श्योर पता होती है बट प्रोविजन की अमाउंट एस्टिमेट की जाती है वेरी गुड सोहानी प्रोविजन इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो फिर लाइबिलिटी क्या हुआ बेटा लाइबिलिटी भी तो यही होता है लाइबिलिटी इज थर्ड पार्टी प्रोविजन लाइब्रेटीज इज थर्ड पार्टी प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ ओन प्रॉफिट नो उमंग गलत बताया आउट ऑफ ओन वो रिजर्व होते हैं है फर्क है। अच्छा। तो नहीं हुआ लाइब्रेड ओन बाय आउटसाइडर एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन गलत लाइब्रेड ऑब्लिकेशन प्रोविजन इज फ्यूचर लाइब्रेड मेंबल प्रोविजन इज इन अजम्शन इट मे और मे नॉट इट इट मे बी बट नॉट एक्चुअल गलत लाइब्रेरी इज श्योर प्रेजेंट ऑब्लीकेशन बट फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड लाइब्रेरी दैट मे अराइज इन फ्यूचर पूरी तरीके से आंसर गलत अभी तक मुझे सोहानी का आंसर फिर भी ठीक लगा है लाइब्रेरी इज अंडर कॉन्सेप्ट लाइब्रेड इजाइडर कॉन्सेप्टोविजन इज एज्यूम्ड लाइब्रेटरी विच कैन अराइज और नॉट नहीं लाइब्रेरी इज प्रेजेंट ऑब्लिकेशन प्रोविजन इज दैट पार्ट ऑफ लाइब्रेड दिल्ड बिफोर Made of liability. पता नहीं, नहीं समझ <laughs> तो में, में भी तो होता कि हम फ्यूचर में पे करेंगे अब मैं इतने सारे तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं बिल्कुल रिसेंट कमेंट पढ़ रहा हूँ से प्रिंकल लाइब्रेरी इज द श्योर अमाउंट जो होगा ही एंड प्रोविजन okay. भावेश लाइब्रेरी सर्टेन बट प्रोविजन की अमाउंट सर्टन नहीं होती वेरी गुड

मतलब मेरा नाम क्यों नहीं लिया अगली बार मेरा नाम आना चाहिए सर अगली बार मेरा नाम लाइब्रेरी इज डेफिनेट वेर इज प्रोविजन इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट विच मे और मे नॉट अराइज मीटिंग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरी तरीके से बिल्कुल सही नहीं है प्रोविजन इज नथिंग बट लाइब्रेरी एंड कंसिडर्ड एन ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू बी मेट इन नियर फ्यूचर इंप्लाइंग कैश आउटफ्लो

ओके okay. समझ में आ गया बच्चों आपके जवाब मुझे मिल गए हैं अब मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और मैं आपको पता है कि मैं हमेशा आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा इन द वॉर्म इन द इन इन द द वे ऑफ रेंचो ना कि हम चतुर रामालिंगम की तरह इसके डेफिनेशन पर बात नहीं करेंगे सी ठीक है ना देर आर टू टाइप ऑफ पीपल वन चतुर सेकेंड रेंचो आपने थ्री इडियट्स देखी होगी डेफिनेटली चतुर डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहा है र, र, रेंचो भी डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहा है पर दोनों का वे ऑफ डिस्क्राइब इज डिफरेंट मैं रेंचो की तरह डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा ठीक है चलो डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बच्चों मैं आपको एक सबसे पहले बात बता दूं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन लाइबिलिटी और प्रोविजन दोनों लाइबिलिटीज में आते हैं मतलब लाइबिलिटी तो लाइब्रिटी होती है लाइबिलिटी ठीक है ना पहली बात टू किसी ने बोला कि प्रोविजन जो है वो फ्यूचर में होने वाली लाइब्रिटी के लिए बनता है बेटा ऐसा कुछ नहीं है लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उसको फ्यूचर में पे करने वाले हो क्योंकि अगर आपने पे कर दिया है तो काहे की लाइबिलिटी मेरे भाई अगर तू आज गुड्स लेके आया है सुन ना मेरी बात ध्यान से अब अपनी चैट को बंद कर दे अगर तू आज गुड्स परचेज करके लाया है तो तू एंट्री कर रहा है उसको बोलेगा, तेरा इसके प्रोविजन तो है नहीं ठीक तो है ना तो तेरा ये क्रेडिटर है फ्यूचर में पेमेंट करेगा ना अब फ्यूचर तो अगला दिन भी हो सकता है तो फ्यूचर में पेमेंट करेगा ना तो बेटा लाइबिलिटी भी तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ही सेटल होती है लाइब्रेटी फ्यूचर में ही सेटल होती है वैसे ही जो प्रोविजन होता है प्रोविजन भी आपका सेटल फ्यूचर में होता है बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन ठीक है ना तो मैंने पॉइंट नंबर आपको बोला कि प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी पॉइंट नंबर टू ये कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक फ्यूचर का नहीं होता और एक फ्यूचर का होता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना तीसरी बात तीसरी बात जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइबिलिटी में जो आउटफ्लो होने वाला है आउटफ्लो लाइबिलिटी के केस में जो हमारे यहां से आउटफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट का याद करो लाइबिलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि टू बी सेटल्ड इन एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइबिलिटी में जो आउटफ्लो होने वाला है वो सर्टेन है वो श्योर sure है मुझे पता है कि मुझे कितना पे करना है फॉर एग्जांपल मैं गुड्स परचेज करके लाया वन लाख ,00 रुपीज के क्रेडिट पर मुझे वन लाख ,00 रुपीज पे करना है मैंने बैंक से लोन लिया है पांच लाख रुपए का मुझे पांच लाख रुपए का लोन देना है वापस रीपे करना है फ्यूचर में लोन मेरी लाइबिलिटी है ठीक है ना लोन मेरी लाइबिलिटी है आ, क्रेडिटर्स मेरे लाइबिलिटी है प्रोविजन के केस में आउटफ्लो होना तय है पर कितना होगा ये नहीं पता मुझे इतना जरूर पता है कि आई एम डेफिनेटली श्योर जितना आई एम श्योर इन लाइबिलिटी उतना ही आई एम श्योर इन प्रोविजन कि आउटफ्लो तो होगा बट आउटफ्लो कितना होगा दैट आई एम नॉट श्योर आउटफ्लो के लिए uh, मुझे कुछ एस्टिमेशन करना पड़ेगा और उसी जगह पर हम बोलेंगे कि भैया ये तेरी लाइबिलिटी तो है पर इसको तू प्रोविजन में दिखा तू इसका प्रोविजन क्रिएट कर क्योंकि यहां पर तुझे कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में की नहीं रामाचंद्र रा यादव प्रोविजन नीड्स टू बी एस्टिमेटेड फॉर फ्यूचर लॉस प्लीज 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 इस पे भी मैं बात करूंगा अच्छी पॉइंट आपने बोली बट ये आपका करेक्ट नहीं है ठीक है ना बट लाइबिलिटी लॉस पे भी आऊंगा मैं अभी अभी बात करूंगा अभी मुझे पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने दो सो so, लाइबिलिटी और प्रोविजन में मैं अभी आपके सामने कुछ बातें बोल रहा हूं तो पहले मेरी बातों को सुन लीजिए मैंने आपको बोला पॉइंट नंबर वन प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी पॉइंट नंबर टू

सर एग्जाम्पल दो ना कि सर एस्टिमेशन कौन कौन सी चीजों के बनाते हैं जैसे मुझे इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा मैंने उसका एक अंदाजा बना अंदाजा बना दिया दिया कर कि मुझे इतना इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है तो मैंने प्रोविजन 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 फॉर फॉर इनकम टैक्स बना दिया मेरा इंप्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे करने पड़ेंगे मुझे उसको ग्रेचुअटी पे करना पड़ेगा ठीक है ना मुझे उसको ग्रेचुअटी पे करना पड़ेगा बट अभी वो रिटायर हुआ नहीं रिटायर होगा वो दो चार साल बाद साल बाद पर आज से लेकर मैं प्रोविजन बनाना शुरू कर रहा हूं इट इज श्योर कि उसको मुझे पे करना ही हंड्रेड परसेंट करना है मैं कमिटमेंट कर चुका हूं मुझे करना ही है बट कितना करना है उसकी अभी कैलकुलेशन धीरे धीरे होती जाएगी समझ में आता जाएगा बेस्ड ऑन हिज सर्विस क्योंकि अभी उसकी सर्विस और बची हुई है आई बात समझ में कि नहीं तो एम श्योर sure की आउटफ्लो होगा बट कितना आउटफ्लो होगा उसके लेकर मैं श्योर sure नहीं हूं तो पहली बात तो प्रोविजन और लाइबिलिटीज में क्या सिमिलरिटीज हैं प्रोविजन भी लाइबिलिटी ही होता है और प्रोविजन भी प्रोविजन में भी कुछ ना कुछ आउटफ्लो तो जाएगा ही जाएगा इतना श्योरिटी है पर कितना आउटफ्लो जाएगा यह श्योरिटी नहीं होती इसीलिए हम एस्टिमेट बनाते हैं कुछ आई मेरी बात समझ में कि नहीं यहां तक तीन पॉइंट्स क्लियर हुए गिव मी द चैट प्लीज गिव मी योर आंसर गिवी टेल मी इन योर इन द चैट प्लीज आपको समझ में आया कि नहीं यहां तक पॉइंट यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट प्रोविजन का अमाउंट अनसर्टन होता है वेरी गुड प्रोविजन का अमाउंट अनसर्टन होता है बच्चों पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे आप पॉइंट नंबर वन टू थ्री जो मैंने आपको बताया आप तीनों पॉइंट लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं व्हाट्सएप पे अभी के अभी मैसेज चेक करना चाहता हूँ जल्दी तीनों के तीनों पॉइंट लिखें जो मेरी लाइव क्लास में अभी बैठे हैं और जिनको जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है जल्दी से जल्दी ये तीन पॉइंट्स लिखें अपनी लैंग्वेज में खुद की लैंग्वेज में लिखना सीखो और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो हरी अप व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजो मैं देखना चाहता हूँ नहीं एक काम करो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो टेलीग्राम पर भेजो व्हाट्सएप में दिक्कत हो जाएगी टेलीग्राम पर मैसेज भेजो

जल्दी मुझे टेलीग्राम पे भेजिए मुझे मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं गाइस प्लीज हरी अप अभी तक शायद आप लोग पॉइंट्स लिख रहे होंगे और किसी ने भी फोटो अभी टेलीग्राम पे भेजी नहीं है नहीं बेटा व्हाट्सएप पे मत भेजो व्हाट्सएप पे क्या होगा बहुत ज्यादा फिर बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप पे मत भेजिए बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे तो वो फिर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं लगेगा मैं चाहता हूं कि आप उस पर भेजिए दीपक गुलाटी क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा आपको आप अगर किसी से बात कर रहे हो सर से तो सर ढंग से तो बात करो हाँ इससे चिड़के क्यों बात कर रहे हो मतलब तुम लोग यार पांच सौ हजार रुपए की पार्टी वार्टी अपने हिसाब से कर लोगे पर अगर पचास रुपए अटके हुए हैं तो वो फिर दिक्कत में आएगा मतलब वो तकलीफ है मतलब वो पचास रुपए भी हमारे क्यों अटके हुए कहीं पचास रुपए का नोट गुम हो जाएगा उसमें तो उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी बट हम तो सर से इसी तरीके से बात करेंगे यार थोड़ा सा काम तो करने दो हमारी टीम पूरा दिन रात लगी हुई है मैं खुद नहीं सोता हूँ

नेकी कर दरिया में डाल वाला सिस्टम अब आजकल नहीं रहा है बेटा। थोड़ा सा ना अब बोलना पड़ता है चलिए आना शुरू हो गया प्रोविजन इज ऑल्सो प्रोविजन अमाउंट इज अनसर्टन इन प्रोविजन वेरी गुड प्रोविजन अमाउंट इज अनसर्टन सौरभ ने वेरी गुड सौरभ ने अच्छा लिखा जिसने फोटो भेजा है वो फोटो में अपना साथ साथ में नाम भी लिख के भेजे ठीक है देर इज नो रिलेशन बिटवीन

अच्छा कुछ गड़बड़ लिखा अनसर्टेन लिखा है क्या आपने थोड़ा समझ में कम आ रहा है जैसमिन आउटफ्लो इज सर्टेन इन बोथ प्रोविजन इज आल्सो लाइबिलिटी डिफरेंस लाइबिलिटी करेक्ट अमाउंट लोन ऑफ आउटफ्लो प्रोविजन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ आउटफ्लो वेरी गुड आशीष ने लिखा है वेरी गुड वेरी गुड आशीष ने लिखा है चलिए और क्या है लाइब्रेड इंक्लूड्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफ इकोनॉमिक वेरी गुड अमाउंट अंशिका गुप्ता चेतन डी चेतन डी चेतन प्रोविजन इज हुज अमाउंट इजर्टन बट इट डेफिनेटली आचल सिद्धाना ने यूट्यूब पर डाल दिया डेफिनेट अमाउंट डेफिनेट अमाउंट पेबल इज नोन

आपने लिखा है प्रोविजन और अबाउट ऑब्लिगेशन दैट यू माइट नीड टू पे हो सकता है आपको पे करना पड़े नहीं प्रोविजन में भी पे करना पड़ेगा कुनाल आपने गलत लिखा है ठीक कर दो दो आपने गलत लिखा है ठीक कर केतन ने लिखा है लाइब्रेट इज अ श्योर फ्यूचर ऑब्लिगेशन हुज अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड विद विदनिटी प्रोविजन इज ऑल्सो लाइब्रेट बट इज अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड विद सर्टेटी इन इट इज अपोर्शन बस बेटा लास्ट का वर्ड ठीक नहीं लिखा है इट इज

ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड बच्चों चलिए अब मैं आपके मैसेजेस जितने मुझे पढ़ने थे जितने बच्चों ने अभी तक मैसेजेस भेजे मैंने देख लिए बहुत अच्छा लग रहा है एटलीस्ट आप मेहनत कर रहे हो प्रोविजन इज इज अ हुज अमाउंट अनसर्टेन बट इट विल अकर डेफिनेटली प्रोविजन इज एस्टिमेटेड कैश आउट्लो एंड लाइबरी इज एक्चुअल फ्यूचर कैश आउट्लो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सो आपने ये पॉइंट्स लिखे बहुत मजा आया बहुत मजा आया आपने खुद इनको बनाया जो ये लेक्चर मेरा लाइव नहीं देख रहा है मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा आई होप आपने भी अपनी क्लास में लिखे होंगे आपको तीन पॉइंट मैंने लिखने को बोले मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं पहला प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ठीक है ना दूसरा दूसरा मैंने कौन सा पॉइंट बोला था आपको लिखने को आउटफ्लो इन इज सर्टेन इन बोथ आउटफ्लो इज सर्टेन मतलब लाइबिलिटी में भी और प्रोविजन uh, में भी दोनों में आउटफ्लो सर्टेन है बट अंडर थर्ड पॉइंट अंडर प्रोविजन हाउ मच आउटफ्लो विल बी देयर दैट इज टू बी एस्टिटेड ना मतलब इट इज सेकेंड पॉइंट में यह था कि इट इज श्योर देयर विल बी दूटफ्लो इन लाइबिलिटी एस्टिमेटेड ओनली अमाउंट ऑफ आउटीमेट ओनली अंडरस्ट अर फोर्थ पॉइंट लिखो लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर बोथ in टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर बोथ हार टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर बोथ हार टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर लाइब्रेरी certain आउटफ्लो amount एस्टिमेट ठीक लिखा है कोई दिक्कत नहीं है अर्चिता शर्मा ने लिखा है आई थिंक ठीक है बस थोड़ा सा उसको ठीक कर दो आपने लिखा है बोथ अमाउंट आर certain provision प्रोविजन अमाउंट एस्टिमेट आप ऐसा लिख सकते हो कि आउटफ्लो इज श्योर इन बोथ लाइब्रेड एंड प्रोविजन बट द अमाउंट ऑफ आउटफ्लोश नीड टू बी एस्टिमेटेड अंडर प्रोविजन ठीक है बेटा रजिस्ट्रेशन ये ना आप मुझे निखिल मुझे ना आप व्हाट्सएप करना ये मैं अभी चलती हुई क्लास में क्वेरी नहीं ले सकता सॉरी निखिल सॉरी और अभी आप सेकेंड बार मत पूछेगा अभी लाइव क्लास में

क्या डिफरेंस बिटवीन एंड प्रोविजन आपको समझ में आ गया इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई शंका आपत्ति विपत्ति पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया टेलीग्राम पे आई फील बैड मतलब टेंटेटिवली कुछ ही बच्चों ने मतलब शायद दस बारह बच्चों नहीं है एक दो तीन सात, आठ, नौ दस टेंटेटिवली दस ग्यारह बच्चों ने ही लाइब टेलीग्राम पे किया है बाकी कुछ पांच छह बच्चों ने यहां पर किया है चलो लाइब्रेरी और प्रोविजन में क्लियर अब हम एक और बात पे बात करेंगे क्या आप जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है क्या आप तो जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है क्या आप जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है बताओ ना सर चार बार ने बोल दिया क्या आप जानते हो क्या आप जानते हो बोल दो सर तुम्हारा वेट कर रहा हूं बच्चे तुम बताओ क्या तुम जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है अगर जानते हो तो जल्दी बताओ लिंक पर ज्वाइन नहीं हो रहा है लिंक पर ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा है टेलीग्राम चैनल नेम लिखा दीजिए प्लीज बेटा टेलीग्राम चैनल नेम जो है टेलीग्राम ग्रुप जय चावला सर इंटर थोड़ा सा ग्रुप का नाम बड़ा है उंडस एंड एडवांस अकाउंट्स ओनली यह मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है किसी ने बोला शुभम मुंद्रा ने कैपिटल रिजर्व एंड अदर रिजर्व नो सोहानी अग्रवाल जनरल एंड स्पेसिफिक नो जैसमिन जनरल प्रोविजन एंड स्पेसिफिक प्रोविजन नो आहा आहा मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं बच्चों हर्षिता जनरल एंड स्पेसिफिक नो 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 आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजन बच्चों इंटर का चैनल मिल गया ग्रुप मिल गया आपको बच्चों इंटर का ग्रुप मिल गया अनुजा ने भी बोला जनरल एंड स्पेसिफिक मुझे लगता है आप जो जनरल एंड स्पेसिफिक बोल रहे हो ना वो आप ठीक है फाउंडेशन के बेसिस से पढ़ के आए हो पर वो जो जनरल और स्पेसिफिक होता है वो भी एक ही कैटेगरी में आता है मैं बोल रहा हूं कैटेगरीज ही तो होती है अंशिका नो आइडिया चिंतामणि जी रिजर्व एंड प्रोविजन नहीं

तहा ने क्या भेजा है भाई ने क्या भेजा? की राइटिंग बहुत शानदार है, का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है थम्स अप। आप मुझे यूट्यूब पे लिख के बताओ आप मतलब यूट्यूब पे आप मुझे हाई करो थम्स अप करो आपका मुझे राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत शानदार लगा प्रोविजनल लाइब्रेटी प्रोविजन ठीक है वेरी गुड बस अब मैं नहीं देख पाऊंगा अब मैं नहीं देख पाऊंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोपरिएशन ऑफ प्रॉफिट नो कॉन्टिजेंट नॉन कॉन्टिजेंट नहीं प्रोविजन फॉर लाइब्रिटी एंड एंड लॉस चेतन थम्स अप चेतन ने सही आंसर दिया कि प्रोविजन की दो कैटेगरीज होती हैं चेतन ने सही आंसर दिया प्रोविजन फॉर लाइब्रिटी एंड लॉस वेरी गुड प्रोविजन इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली बहुत सही बहुत सही बहुत सही मैं बात कर रहा हूं प्रोविजन की बच्चों आपको बता दूं प्रोविजन दो टाइप के होते हैं एक होता है प्रोविजन वेयर देयर इज एन आउटफ्लो प्रोविजन पूरा मत लिखना अभी पहले मुझे लिखने दो प्रोविजन व्हेन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड हु वेरी गुड बेटा आपकी मुझे राइटिंग अच्छी लगी आपको मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा बहुत अच्छा आपने लॉस के बारे में भी प्रेजेंटेशन करके रखा है आपने बहुत बढ़िया किया शुभम डू आई नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियो फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो नो 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 यू कैन करंटली ज्वाइन अस ठीक है चलो तो प्रोविजन व्हेन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड और पता है आपको एक दूसरा होता है प्रोविजन वे नो आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड बट दे आर मेड ऑन अनसर्टनिटी ऑफ एनी अमाउंट टू बी रियलाइज दैट इज प्रोविजन फॉर लॉस आपके प्रोविजन दो टाइप के होते हैं अगर अभी तुम में से ये कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर जो मैंने बोला कि प्रोविजन और रिजर्व सर रिजर्व भी तो होता है चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो माइंड इट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ मैं अभी रिजर्व पे भी आऊंगा एक बात कॉमन सुन लो जो रिजर्व होते हैं वो प्रोविजन नहीं होते हैं। जो रिजर्व होते हैं वो प्रोविजन नहीं होते हैं आपके ठीक है ना जो रिजर्व्स होते हैं वो प्रोविजंस नहीं होते हैं हम बात कर रहे हैं

पहले इसको लिख लो तो आप जानते हो प्रोविजन दो तरीके से होते हैं ये प्रोविजन दो टाइप के होते हैं पहला प्रोविजन मैंने जो लिखा है ना वहां हम बोलते हैं कि यार हमें फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ेगा देर इज समथिंग आउटफ्लो 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 हमें पे करना पड़ेगा जैसे सैलरी का प्रोविजन बना लिया सैलरी का मुझे सैलरी पे करनी पड़ सकती है मतलब पड़ेगी पर कितनी पे करनी पड़ेगी अभी मैं श्योर नहीं हूं तो सैलरी का प्रोविजन ग्रेचुटी का प्रोविजन इनकम टैक्स का प्रोविजन कोई एक्सपेंस कर लिया पर कितना पे करना पड़ेगा पता नहीं उसका प्रोविजन सो so बेसिकली ऐसे प्रोविजंस जहां पर कुछ ना कुछ आउटफ्लो डेफिनेटली होगा ये हमें पता है आउटलो हमारी जेब से आउटफ्लो होगा बट कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां आउटफ्लो नहीं होगा बल्कि अगर कुछ मिलने वाला था तो अब शायद मिल नहीं रहा अब शायद मिल नहीं सकता ऐसा लग रहा है कि शायद अब नहीं मिलेगा अब कम मिलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर से पैसा मिलने वाला था पर अब लग रहा है कि शायद डूब सकता है पैसा किसी को लोन दिया था किसी को एडवांस दिया था उससे पैसा वापस नहीं मिल रहा प्रोविजन फॉर लॉस आई बात समझ में कि नहीं एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ठीक है मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं सर इनके एग्जाम्पल्स दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सर इनकी एग्जाम्पल दो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अरे रे बताओ रे जल्दी बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं डेलसी सौरभ सोहानी अनुजा अंशु अंकित यादव सेकंड टाइप नहीं समझ में आया अरे भाई तू एक बात बता तूने अपने डेटर अपने कस्टमर को गुड्स सेल किए तेरे कस्टमर ने तेरे को बोला कि तेरे को वो दो महीने बाद पेमेंट करेगा उसने तेरे को दो महीने बाद पेमेंट करने का वादा किया पर मान लो एक दो महीने कंप्लीट हो गए उसने तेरे को पेमेंट नहीं किया ऐसा भी नहीं कि तेरे को उसने मना कर दिया पर तेरे तेरे को को लग रहा है कि शायद तेरे को वो पैसा नहीं पे करेगा या हो सकता है तेरा पैसा कुछ डूब जाए तो पता ऐसे केस में तेरा कोई आउटफ्लो है क्या तेरे को तेरा पैसा डूबेगा ये समझ में आया पर क्या तेरी जेब से कुछ पैसा जाएगा ऐसा कुछ है क्या तेरे को उल्टा उसको कैश देना पड़ेगा क्या नहीं ना तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ आ सकता था मतलब जो आने के चांसेस थे अब उसके चांसेस कम हो गए मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं मैं आने वाले लॉसेस के बारे में पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं क्या ऐसे केस में कुछ आउटफ्लो है क्या नहीं ना मैं तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूं वेंकटेश कौशिक नहीं वेंकटेश कौशिक नहीं अंकित यादव वेंकटेश सर सेकेंड टाइप प्रोविजन इज नॉट लाइब्रेडी एग्जैक्टली येस वेरी गुड This is not a part of liability. जो second provision होता है यह आपका liability नहीं होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको liability और provision के चार main points लिखवाए थे और दोनों में लिखवाया था कि provision में outflow होता है जबकि यहां तो outflow है ही नहीं आया समझ में कि नहीं क्लियर है कि नहीं अंकित यादव अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो मेरा सिंपल सी बात है कि तुम मुझे बताओ अगर अंकित तुम अपने फ्रेंड को कुछ पैसे दे रहे हो उधार पे और तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि मैं अगले महीने पे करूंगा वो भाग गया तो तुम क्या बोलोगे तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं पर तुम उसके बावजूद बोलोगे कि मैं तो उससे लेके रहूंगा बट हां लॉस हो सकता है तो तुम अपनी बुक्स में एक प्रोविजन बनाओगे वो प्रोविजन ये वाला प्रोविजन माना जाएगा सेकंड वाला जहां तुम्हें लॉसेस हो सकते हैं तुम ये कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त भाग गया है जहां तुम्हें लॉसेस हो सकते हैं पर स्टिल तुम्हारी जेब से कोई आउटफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा तो कब का हो गया ना तुमने तो उसको उधार दिया था आउटफ्लो तो हो गया अब थोड़ी फिर से होगा मेरे भाई ठीक है ना और ये प्रोविजन जहां तूने किसी से सर्विस लिया ठीक है ना जैसे मैंने मैंने कारपेंटर से काम करवाया मैंने फर्नीचर वाले से काम करवाया ठीक है ना अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ उसने बोला मैं पैसा बाद में लूंगा मैंने बोला यार भैया मेरी बैलेंस शीट आ रही है मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं मुझे नहीं पता उसका बिल कितने का बनेगा पर मैंने एक से एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है उसके बदले मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो प्रोविजन होते हैं जहां पर आप आउटफ्लो करते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं आपने आपने ग्रेचुअटी दिया किसको एम्प्लॉय को क्योंकि आपको बेनिफिट मिला आपको सर्विसेज मिली ठीक है ना आई मेरी बात इनकम टैक्स में बात अलग है इनकम टैक्स में क्या घंटा बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स तो मतलब वो तो विजय सर ने आपको समझाई होगा देना ही पड़ता है है ठीक ना आई बात समझ में कि नहीं सो प्रोविजन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड यहां पर एक्चुअली में वो प्रोविजन है जहां पर तुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है ठीक है ना पर यहां पर ऐसे प्रोविजन है जहां सारा तेरे को लॉस हो रहा है ठीक है ना जहां तुझे लॉस हो रहा है समझ आए कि नहीं सो so, दोनों को थोड़ा सा कोशिश कर ठीक है ना दोनों को थोड़ा सा कोशिश कर और इसको ये मैंने लिखा है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी तेरा ये जो प्रोविजन होता है ये लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता है सर अगर ये लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता तो सर ये वाले प्रोविजन हम कहा लिखते हैं कोई मुझे बता पाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां पर आता है बैलेंस शीट में सेजल वेरी गुड जो आ सकता था वो शायद नहीं आएगा उसका प्रोविजन वेरी गुड वेरी गुड मैं वही चाह रहा हूं कि बच्चे अपनी भाषा में रेंचो बन के खुद डिफाइन करें चतुर रामालिंगम की तरह नहीं कि यार बुक लैंग्वेज बस बोल दी और ये प्रोविजन होता है जिसका अंदर का मीनिंग सला हाँ उसको खुद को नहीं पता ठीक है ना तो रेंचो बन के आपको खुद डिफाइन करना है वेरी गुड सेजल बहुत बढ़िया ये वाला प्रोविजन कहां आता है अबे नलायक लोगों जो लोग लाइबिलिटी लिख रहे हैं थोड़ा सा दो दो मिनट अब तो सोचो मैं वही बोल रहा हूं मैं इतनी देर से भौक रहा हूं बोल रहा हूं रेंचो बनो रेंचो बनो तुम चतुर बनने पे मजबूर हो रहे हो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह नहीं होता और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो ये बताओ कहां आएगा तो भी तुम बोल रहे हो सला घुसा रहे हो तुम नहीं नहीं सर लाइबिलिटी साइड जाएगा अरे बोल रहा हूं वो लाइबिलिटी नहीं होता है तो लाइबिलिटी साइड क्यों जाएगा मोहित ने लिखा लाइब्रे साइड समथिंग कोई ट्यूशन इंडिया ने लिखा साइड नॉट अ इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स यस ये वाले जो इजेड होते हैं वो आपके डेटर्स में से माइनस होते हैं एक और प्रोविजन बताऊं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसको आप बोलते हो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन जिसको बोलते हो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन कुछ याद आ रहा है नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो आप असिट में से लेस करते हो याद आ रहा है कि नहीं वो भी कौन सा प्रोविजन होता है वो भी ये प्रोविजन होता है क्योंकि आप डेप्रिसिएशन में कोई आपका आउटफ्लो हो रहा है क्या आपका डेप्रिसिएशन में कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है आई बात समझ में कि नहीं ठीक है Clear? अब बताओ कोई तकलीफ जिंदगी में जल्दी बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ लाइब्रेरी एंड, एंड प्रोविजन के दो कैटेगरी यहां तक कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे यकीन हो रहा है कि मुझे मेरे अच्छे अच्छे बच्चे एक लास्ट जवाब दे देंगे उसके बाद हमारा लगभग लगभग बेसिक खत्म हो जाएगा मुझे एक लास्ट जवाब जरूर दीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व मुझे बताइए प्रोविजंस और रिजर्व्स में फर्क क्या होता है प्रोविजंस और रिजर्व में फर्क क्या होता है जल्दी बोलो प्रोविजंस और रिजर्व में क्या फर्क होता है जल्दी बोलो बच्चों प्रोविजंस और रिजर्व में क्या फर्क होता है आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर सकते हो प्रोविजंस और रिजर्व्स में फ़र्क क्या होता है आप चाहो तो टेलीग्राम पे रिप्लाई कर सकते हो या तो आप मोबाइल में चैट में ही रिप्लाई करो आपकी मर्जी आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर सकते हो

पता नहीं क्या लिखा है मोहित आपने रिजर्व इज द पार्ट ऑफ एक्यूमलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच इज रिजर्व फॉर फ्यूचर अनसर्टनिटी वेरी गुड जैसमिन बोल सकते हैं सही लिखा सर प्रोविजन सा फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होता रिजर्व से बेनिफिट होता है ऐसा कुछ नहीं कह सकते नहीं नहीं ये गलत है प्रोविजन का मतलब हाँ ठीक है बट इसको ठीक है ठीक है हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं ये कह सकते हैं कि प्रोविजन से तो जो बेनिफिट मिलना था मिल गया अब तो बस पे करना है जबकि रिजर्व से फ्यूचर में बेनिफिट होगा क्योंकि वो प्रॉफिट है ठीक है रिजर्व स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है जबकि प्रोविजन एस्टिमेटेड एक्सपेंस के लिए होता है नहीं समर्थ 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 गड़बड़ बोल रहे हो गड़बड़ बोल रहे हो अंकित यादव तुम पार्टनर पार्टनर बीच में लेके आ रहे हो पर तुम मेरा आवाज नहीं शायद सुन पा रहे हो मैं बार बार बोल रहा हूं अंकित यादव तुम पार्टनर को बीच में मत ले आओ यहां पर मैं जनरल पूछ रहा हूं चाहे कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो चाहे एल हो चाहे प्रोपराइटर हो पार्टनर क्यों लेके आ रहे हो यहां पर चलो एनीवेज मैं इधर डिस्क्राइब कर लेता हूं बेटा प्रोविजन पॉइंट नंबर वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैं बोल सकता हूं इधर एक्सपेंस और लॉस अब वो मैंने एक्सपेंस इसलिए लिखा क्योंकि वो प्रोविजन वो पहला वाला प्रोविजन आउट जिसमें आउटफ्लो होता है और लॉस इसलिए रखा वो दूसरा वाला प्रोविजन जिस जो प्रोविजन फॉर डेट्स होते हैं जबकि

लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ठीक है ना प्लीज डोंट चैट नाउ अगेन आप चैट मत करो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एग्जाम्पल प्लीज थोड़ा सा रुक जाइएगा है ना सर ये अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सर अप्रोपरिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है प्लीज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए ध्यान से सुनिएगा मैं अपने माइंड में थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं ताकि आपको सिंप्लीफाई करके समझा ठीक है। एक, है एक 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 है आम आदमी जिसकी मंथली सैलरी वन लाख रुपीस ठीक है ना उसकी मंथली सैलरी वन लाख रुपीस है ठीक है अब वो वन लाख रुपीस उसको सैलरी मिली तो वो वो आदमी बेचारा सोचता है कि सैलरी जैसे ही आए तो मैं अपने घर के खर्चे करूं मैं अपने घर पे जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं डेली एक्सपेंसेस खर्चा, खर्चा बच्चों के स्कूल का खर्चा ये सब करना पड़ता है बच्चों के का खर्चा, प्लीज मेरी बात को सुनिए ध्यान से एक आदमी है एक व्यक्ति है जिसकी पर मंथ इनकम वन लाख रुपीज है वो हर महीने वेट करता है कि मेरा इनकम आए और मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस करूं यू कैन अब वो आम आदमी कौन हो सकता है वो व्यक्ति कौन हो सकता है आप अपने पापा को रख सकते हो वहां पर या अपनी मम्मी को रख सकते हो वहां पर पर उस जगह पर, या आपके घर में जो भी ऐसा व्यक्ति है आप उसको अपने माइंड में रख सकते हो वो व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे ही मेरा एक लाख रुपए का सैलरी आएगा मैं अपने कुछ खर्चे करूंगा मैं अपने खर्चे करूंगा मैं फिलहाल सिंप्लिस के लिए पांच एक्सपेंसेस मान के चल रहा हूं कौन कौन से गैस का खर्चा ठीक है ना बिजली का खर्चा गैस इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल फोन ठीक है ना इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड ऑल स्कूल बच्चों का पढ़ाई का खर्चा ठीक है ना बच्चों का पढ़ाई का खर्चा ये तो चार हो गए सर पांचवा बता दो कोई पांचवा कौन सा बेसिक खर्चा होना चाहिए खाने का खर्चा खाने का खर्चा ठीक है ना ठीक है खाने का खर्चा पांच खर्चे वो मान के चलता है उसको पता है कुछ भी हो जाए ये हमारी बेसिक नीड्स है ये तो खर्चे करने ही पड़ेंगे आउटफ्लो होगा ही होगा होगा ही होगा होगा ही होगा आई बात समझ में तो वो उनके प्रोविजन बनाएगा वो इन पांच एक्सपेंसेस के प्रोविजन बनाएगा वो बोलेगा यार मेरे को एक लाख रुपए आया उसमें से मैंने गैस इलेक्ट्रिसिटी इनका अभी बिल आया नहीं है मुझे नहीं पता इनका कितना बिल आएगा ठीक है ना गैस का कितना बिल आएगा बिजली का कितना बिल आएगा मुझे नहीं पता आप बोलोगे सर गैस का बिल थोड़ी आता है है उसका तो सर सिलेंडर होता पुणे जैसी सिटी में मुंबई जैसी सिटी में गैस का कनेक्शन भी होता है बेटा डायरेक्ट सिलेंडर के बिना डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्शन होता है आप जितना गैस यूज करोगे उतने हिसाब से बिल आता है अभी आपने आ, 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 मान लीजिए आपने कम यूज किया तो आपका कम बिल आएगा तो अभी आप श्योर नहीं होगा कितना बिल आएगा तो आपने क्या किया आपने इन पांचों एक्सपेंसिस के प्रोविजन क्रिएट कर लिए आपने इन पांचों एक्सपेंस के प्रोविजन क्रिएट कर लिए लिया मान लोजेंड रूपीज का बोला था आपको बच्चों का स्कूल्स वगैरह हो गया बच्चों का बच्चों का वगैरह का आपने प्रोविजन इस मंथ का क्रिएट किया मान लो टेन थाउजेंड रुपीज का टू प्लस कितना हुआ? सेवन प्लस टेन सेवनटीन मैंने तीसरा क्या बोला था और फूड

60,000 को कैसे संभाल के रखूं ये 60,000 कहां कहां रखूं ऐसा तो नहीं कि पूरे जेब में रखूंगा और हर टाइम अपने साथ लेके घूमूंगा ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि पूरा एक ही जगह पे रखूंगा भाई मुझे जेब में भी पैसे रखने हैं थोड़े बहुत खर्चा वगैरह करने के लिए तो उस आम आदमी ने सोचा कि भाई सिक्सटी थाउजेंड मुझे मिला है इसमें से ट्वेंटी थाउजेंड तो मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा भाई वो भी अपना जमा करती है अपने पास रखती है उसकी भी नीड्स है ठीक है ना तो ट्वेंटी थाउजेंड मुझे अपनी वाइफ को देना पड़ेगा बट मैं जानता हूं मेरी वाइफ को मैं ना तो वो बोलेगा कि यार साठ हजार का प्रॉफिट हुआ अब ये को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं एक काम करता हूं ट्वेंटी थाउजेंड में अपनी वाइफ को दे देता हूं ठीक है ना उसके पास पड़े रहे जमा पूंजी वो भी करेगी बचे कितने चालीस हजार चालीस हजार में से दस हजार में अपने जेब में रख लेता हूं क्योंकि मुझे दस हजार से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं बाकी थर्टी थाउजेंड में बैंक में एफ डी करवा लेता हूं बाकी थर्टी था सिक्सटी थाउजेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया उसने इस सिक्सटी थाउजेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया उसने ट्वेंटी थाउजेंड अपनी वाइफ को दे दिए आगे चल के उसको जरूरत पड़ेगी तो उसकी वाइफ उसको वापस करेगी डेफिनेटली उसने टेन थाउजेंड अपनी जेब में रखे और उसने थर्टी थाउजेंड एफ डी में डाल दिया

वो क्या होगा वो क्या होगा वो क्या होगा वो आपका रिजर्व होगा क्यों क्योंकि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट मींस आपने प्रॉफिट के अलग अलग हिस्से कर लिए अलग अलग जगह पे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस प्रॉफिट का यूज करोगे कुछ आई बात समझ में कि नहीं

जो प्रोविजन होता है नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त आपको प्रोविजन माइनस करना पड़ता है पर जो रिजर्व होता है वो नेट प्रॉफिट के बाद देखा जाता है वो नेट प्रॉफिट के बाद देखा जाता है आई बात समझ में कि नहीं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्रोविजन आर प्रोविजन आर Shown before net profit means to calculate net profit, we have to deduct provisions. Reserves means profits or part of profits which are which can be in form of general reserve. Revenue reserve, profit and loss account, credit balance, any other reserves are also called retained. अर्निंग्स अमर मार्ग वेरी गुड अमर मार्ग अमर मार्ग वेरी गुड ये आपकी पूरी स्क्रीन आपको सामने आ रही होगी आप चाहो तो स्क्रीन ले लो आई बात समझ में हाँ मैं एक चीज बता दू रिजर्व्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं पर सारे रिजर्व्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं रिजर्व्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं पर सारे रिजर्व्स प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं जैसे प्रोविजंस दो प्रकार के होते हैं लॉस वाले और एक्सपेंस वाले पर अल्टीमेटली वो पी पीडल से माइनस होते हैं वैसे ही रिजर्व्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं पर वो अल्टीमेटली होते आपके प्रॉफिट्स का हिस्सा है ठीक है एक और बात लिख लीजिएगा रिजर्व्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स Free reserves, specific reserves, free reserves like general reserve, profit and loss account, specific reserves like CRR, DRR, revaluation reserve, etc. ठीक है चलो बच्चों आज शेड्यूल थ्री तो नहीं हो पाया बट मुझे लगता है आज जो हमने तीन बातें की कुछ अच्छा लगा ये तीन बातें समझ के रिकॉर्डेड वाले बच्चे तो मुझे चैट नहीं कर पाएंगे पर हां रिकॉर्डेड वाले बच्चे एक बात जरूर कर सकते हैं अगर आप मेरी क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं कि थोड़ा सा मैंने बोला ना मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको ना मैं बिल्कुल ही नया व्यक्ति बना दूंगा इसका मतलब तो ऐसा होगा कि मुझे आपकी कैपेबिलिटीज पे मतलब मैं तो यह बोल रहा हूं कि आपने तो पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है यह गलत हो जाएगा मैं ये बोलूं कि आपने पहले कभी अकाउंट्स कुछ नहीं पढ़ा है ढंग से नहीं पढ़ा है इट इज अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर ठीक है ना मैं वो ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर नहीं रखता हूं पर मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली हल्का सा ही सही एक परसेंट ही सही जरूर अपने बच्चे का नॉलेज इनहेंस करके ही छोड़ूंगा ठीक है ना फुल स्क्रीन बेटा फुल स्क्रीन screen का स्क्रीन ले लो डी आर आर इज डिवेंचर एडम्शन रिजर्व यस थैंक यू तेजस्वी थैंक यू बेटा सर एफ डी अरे बेटा मैंने वो एग्जाम्पल दिया तेरे को कि एफ FD... डी मैंने तो उसकी लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया कि भाई वो ऐसा है मैंने वो रिजर्व समझाने के लिए दिया ऐसे तो जो मैंने अपनी बीवी को दिया वो भी रिजर्व नहीं वो वो भी तो देखा जाए तो बीवी कौन सा को वापस वापस करेगी मेरी बीवी तो मुझे कभी वापस ही ना करे पैसा तो मैं तो वो बोलूंगी वो तो मेरा खर्चा ही हो गया मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा तू दिल पे क्यों ले रहा है वो मैं सिर्फ समझाने के लिए अकाउंटिंग में ठीक है ना रेवेन्यू एंड जनरल रिजर्व में डिफरेंस सर ने कोई डिफरेंस नहीं सिर्फ नाम अलग अलग है Nancy, तुम्हारा नाम क्या है है शुक्ला ठीक ना पर घर पे हो सकता है तो तो कुछ कुछ और बुलाते ना? बुलाते हूं? हो 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 ना ना सकता है है भी बुला सकते हैं ठीक वैसे तो वैसे ही तो वैसे ही रिजर्व या जनरल बातें करेंगे डोंट वरी आप अगली क्लास में मुलाकात करिएगा मुझसे कल संडे की क्लास है कल संडे है संडे को क्लास नहीं रहेगी आई थिंक कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा संडे को संडे को कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा पॉइंट विजय सर आज की क्लास शायद ना ले क्योंकि उनके पापा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है शायद जितनी मेरी सुबह बात हुई विजय सर से मेरी बात बहुत कम हो रही है सिर्फ उनसे अपडेट लेना पड़ रहा है कि सर पापा कैसे हैं पापा कैसे है तो विजय सर ने आज मुझे फोन पे बताया कि सर अभी सिचुएशन को समझ नहीं आ रहा शायद पापा को मुझे एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल तो विजय सर वहां पर अभी बिजी हैं तो आप विजय सर को डिस्टर्ब मत करिएगा अगर क्लास होनी होगी शायद दो बजे हो जाए शायद दो बजे हो जाए कल संडे है तो कल की क्लास नहीं रहेगी कल की क्लास नहीं रहेगी कोई भी क्लास नहीं रहेगी ठीक है ना तो चलिए अभी के लिए इतना ही हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले क्लास में मंडे को बाय बाय जय माता दी टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय